आपको बताएं, इंसदाद मनाशियात के हवाले से पूंछ डिवीजन के सदर मकाम रावलाकोट में महकमे सोशल वेलफेयर के जेर एहतमाम वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें सोशल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। वॉक का आगाज जिससे कॉम्प्लेक्स रावलाकोट से शुरू हुआ, जिसमें सियासी समाजी हल्कों, तलबा तालिबात और जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसी तादाद में शिरकत। वॉक ने मुनशियात के मसर असरात के हवाले से कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि आगाही वॉक का मकसद माशरे में मुनशियात के मसर असरात को उजागर करना, उसके इस्तेमाल और उसकी तबाहकारियों के मुतालिक रोशनी डालना है। मुनशियात है वो पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। अल्लाह के सामने इंसान की जो कीमत है वो किसी और चीज़ की नहीं है, लिहाजा इसे हर दर, हर घर, हर फर्द को अपना चैलेंज समझकर इसके लिए शौरी तौर पर कोशिश करना होगी। वालिदैन को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है और हम चाहते हैं कि हम सारे मिलकर इस खत्ते में ये जो मंशियात की बढ़ती हुई लानत है इसके खिलाफ हम मिलकर इत्तेहाद करें और इसको कम से कम करने की कोशिश करें। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि दुनिया भर की तरह आजाद कश्मीर में भी मुनशियात के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है ताकि यूथ में और जो हमारी पब्लिक है इसमें ये शऊर बेदार करना कि मुनशियात एक माशरती लानत है और हमें अपने नौजवानों को, नई नस्ल को इससे दूर रखना है। हम यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो अपने नौजवान नस्ल में एक शऊर बेदार कर सकें कि ये नशा हमारी जिंदगी को कैसे तबाह कर रहा है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं। वॉक के आखिर में मुल्क पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सैयद मसूद गर्देजी, रावलाकोट, आजाद कश्मीर।